वख-वख सफल पंजाबी फिल्मां च हां पक्षी नज़रिए वाले रोल निभाउण वाले चंगी सोच दे मालक फिल्मी अदाकार मलकीत सिंह रौणी जी कोटपुरा विखे आए सन। गल्लां चल पईआं बई जिहड़े नौजवान समाजक कुरीतियां च ग्रस्त हुंदे जा रहे ने उन्हां बारे फिल्मां राहीं जां वैसे निजी जिंदगी च जिहड़े समागम प्रोग्राम हुंदे ने उन्हां राहीं तुसीं की सुनेहा दिंदे हो ते अज टीवी चैनल राहीं की सुनेहा देना चाहुंदे ने। सति श्री अकाल जी, जो नौजवानां नूं सुनेहा देण वाली गल हो रही है इहदे बारे तुसीं की कहना चाहोगे? देखो, मैं एक गल जिहड़ी बड़ी साफ कहनी चाहुंदा, असीं काफ़ी सालों तो, मैं लगभग 32 साल तो इस लाइन के भाजी गुरशरण सिंह भाई मन्ना सिंह दे नाल थिएटर करते रहे, उस तो बाद टैलीविजन किया, फिल्मां कीतियां। जिहड़ी क्लीयर गल है, नाटकां राहीं भी सुनेहा दिंदे रहे हैं कि जिहड़े असीं पेरेंट्स हैं ना, असीं जिहड़े मापे हाँ, चाहे माँ है चाहे प्यो, असीं अपना पूरा फर्ज अदा नहीं किया। जे अज तुहानूं इतिहास पता है, तुहानूं अज कल्चर बारे पता है, तुहानूं माँ बोली बारे पता है, तुहानूं चंगीआं गल्लां बारे पता है, तो उहदी देण मैं कहिंदा साडे पेरेंट्स सी, साडे पेरेंट्स ने सानूं गल्लां बातां दस्सियां। साडे जिहड़े पेरेंट्स सी बेशक अनपढ़ भी सी, पर उह पैण लगे बातां पाउंदे सी, बच्चिआं नूं गल्लां दस्सदे सी, अपना फर्ज समझदे सी बच्चिआं नूं एजुकेशन देना। पर हुण जिहड़ी समस्या उह वड्डी इह आ गई कि साडे पेरेंट्स कोल टाइम नहीं, जां जिन्हां कोल टाइम हैगा उहनां नूं लगदा कि फजूल गल्लां ने, इह कोई खास गल्लां नहीं हैगीआं, इह बच्चिआं नूं आप ही सिख रहे बच्चिआं ने। सो बच्चे गाहे बगाहे फिर कोई मोबाइल खोली बैठा है, कोई गलत किसी सिक्ख्या लै रहा है, कोई गलत किसी तो गल्लां सुन रहा है। सो उहो जी सिक्ख्या बच्चे प्राप्त करते हैं। ये पेरेंट्स का वड्डा हथ है जी, किसी बच्चों नू किहो जिहा बनाउणा, बच्चे का जीवन किहो जिहा होना चाहिए वो पेरेंट्स ते डिपेंड करता है। सो जदों तक असी पेरेंट्स अपनी जिम्मेवारी सही नहीं निभाउंदे। दूजी गल जिहड़ी फिल्मां टैलीविजन की गल करते हो, गल यह है कि अज साडे जिहड़े विद्वान लोग सी, साडे राइटर लोग सी, उन्होंने अपना ज्ञान किताबों में बंद करके ना लाइब्रेरियों में किताबां पईआं ने। साडे बच्चों को जो किताबां पढ़न का समा नहीं है, साडे कोल सिनेमा ते टैलीविजन दो इहो जिहियां चीज़ां ने जिहड़ियां उस साहित नूं कैरी कर सकदियां ने। इस टाइम साडे कोल कमाल का नावल लिखिया पिया, कमाल की कहानी है, कमाल की वार्तक है, कमाल की कविता है, कमाल की गज़ल है, साडा इतिहास किताबां च पिया है। पर गल उही प्रॉब्लम है कि असीं उत्थे तक पहुँच नहीं पा रहे। सो टैलीविजन ते सिनेमा दो ऐसियां चीज़ां ने जिहड़ियां उन्हां चीज़ां नूं कैरी कर सकदियां ने, अगे लिजा सकदियां ने। पर साडी दिक्कत यह रही, असी बहुत गिणती पिंडां च रहण वाली साडी बसों सी जिहड़ी, सानूं यह लगदा रहा कि टैलीविजन बहुत माड़ी चीज़ हुंदी है, फिल्मां बहुत माड़ी चीज़ हुंदियां ने। हुण इह इक प्रसार ते प्रचार दा साधन सी जिहनां नूं चंगीआं गल्लां लई वरत सकदे सी। फॉर एग्जाम्पल, साडे कोल पंजाब दा इक्को इक बंदा जिहनूं सब तों पहलां परमवीर चक्कर मिलिया, उह मोगे जिले दा रहण वाला बंदा सी, सूबेदार जोगिंदर सिंह। सो असीं इक फिल्म बनाई, सिमरजीत साडे कोल इत्थे हुण आया जी, सिमरजीत उहनां ने इक फिल्म बनाई जिहड़ी फिल्म दा नाम सी सूबेदार जोगिंदर सिंह, तां कि जनरेशन नूं इह दस सकीए कि पहला पंजाब दा मोगे जिले दा कौन बंदा सी जिहनूं परमवीर चक्कर मिलिया। सो इह वेरिएशन दा समां है, असीं उह फिल्म बनाई दसण दे लई, पर साडी जनरेशन, साडे लोक टिके होए सी चुटकले सुण लई, कमेडी सुण लई, पर फिर भी कहिंदे जिवें नेरी विच कोई बंदा दीवा जरूर बालदा। बहुत सारे लोक लगे हुए ने चंगीआं फिल्मां बनाउण दे लई। परिवार क्रिश्चियां दी फिल्म असीं बनाई जिहदा नाम सी रब दा रेडियो, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਸੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ 2016 'ਚ ਆਈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਫਿਲਮ ਆਈ। ਸੋ ਚੰਗੇ ਸਿਨੇਮੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੋਚੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਰਜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੰਦਰ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨ ਵੱਡੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੇਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕੌਣ ਸੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਕੌਣ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਗੇ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ, ਉਸ ਕਲਚਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
जिहड़े बच्चे साडे कोल ने जिहड़े पढ़दे ने उहनां बच्चियां नूं जाके असीं अपने इतिहास बारे दसीए, अपने कल्चर बारे दसीए, अपनी सभ्यता बारे जाणू कराइए, अपनी माँ बोली बारे जाणू कराइए। नहीं तां बहुत गिणती हुण इह हो गई कि बच्चियां नूं लगदा कि पंजाबी बोली तां जिहड़ी अजड लोकां दी बोली है, देसी लोकां दी बोली है। सो इह गल नहीं है, इह बच्चियां नूं दसण दी लोड़ है, कंपलैक्स करन दी लोड़ है वी जिहड़ा बंदा अंग्रेजी बोलण लग जांदा तां मतलब इह नहीं बहुत वड्डा कोई ज्ञानवान हो जांदा, बहुत वड्डा कोई दुनिया दा विज्ञानी हो जांदा। देखो विज्ञान अलग चीज़ है, ज्ञान होना अलग चीज़ है, भाषा का ज्ञान होना अलग चीज़ है, भाषा होनी अलग चीज़ है, पर थोड़ा नॉलेज होनी अलग चीज़ है। फिर अगली गल है कि वो नॉलेज तुसी कद लई वरतनी है, अज थोड़े को किसी किस्म की नॉलेज है वो तुसी किहड़ी चीज़ लई वरत रहे हो। अज साडे बच्चे जो पढ़े लिखे ने बच्चों को बहुत सारी नॉलेज है, वो देख लेंगे कि इस दवाई के किहड़ा साल्ट है, वो जरूरी थोड़ी तो नशा लई वरतना है, वो दवाई जिस काम लई बनी है उसदे लई वरती जानी चाहिए है। सो इस करके अपने ज्ञान नूं, अपने दिमाग नूं, अपनी बुद्धि नूं चंगे पासे वल लाइए ता कि चंगी गल्लां समाज च हो सकन। यह गल बिल्कुल छड़ देनी चाहिए है साडे लोकां दे विच, जिवें कि छोटे लैवल ते आ के पिंडां दे लैवल ते आ के भी मोहल्लियां दे लैवल ते आ के भी सियासत कर करके सानूं लगदा है कि यह फलानी पार्टी का बंदा, वह फलानी पार्टी का बंदा, उहदा मुंडा नशे करदा, मैनूं की तकलीफ है। पर यह ऐसियां चीज़ां ने, ऐसियां अलामतां ने, जे अज सामने वाले दे घर है तो तुहाडे घर भी वह बीमारी आउणी आउणी है। सो इस करके समाज दे विच जिन्ने चंगे विचार फैलाओगे उन्ने चंगे विचार वापस थोड़े घरों तक आने ने, जिन्ने माड़े विचार फैलाओगे उन्ने माड़े विचार भी थोड़े घरों तक ही आने ने। अज एक ब्लैकी ब्लैक करता तो वह बच्चे फिर वह जे बनते हैं। अज एक बंदा गलत तरीके कोई पैसे कट्ठे करता, धन दौलत कबेर जोड़ता तो वो कोल भी वह जे ही मुड़के आता, वो बच्चे अमली बैली बनते हैं, बीमार ठमार होंगे ने, एक्सीडेंट मरते हैं। सो यह बहुत बड़ी गल है, रिश्वतखोरी की गल है, जो अफसर बहुत बड़ी रिश्वत लैंदा उन्होंने बच्चे इदे यहोजे निकलते हैं। गल इंसान के सोचने वाली यह है कि जे आप अपने बच्चों सारा कुछ ही बना के देता, तुम अपने बच्चों बहुत बड़िया गड्डिया भी देती, बहुत बड़िया कोठियां बना के देती, बहुत सारे प्लाट देते, बहुत सारा बैंक बैलेंस देता, बहुत सारी फैक्ट्रियां देती, बच्चा कद नहीं कम करेगा, वो मन तो कोई इच्छा ही नहीं कम करने की, वो कहना मेरा तो प्यो सारा कुछ छड़ गया, मैंने की लड़ो कम करने की। सो बहुत गुणती साढ़े पंजाब का यह हाल है, असी लोगों के मूँह रोटियां खिच खिच के लोगों का हक मार मार के धन कुबेर इकट्ठा किया, अपने बच्चों को संभाया, तो साढ़े बच्चों ने फुर करके सारा कुछ उड़ाया, तो बच्चे ने अपनी जिंदगी खराब की। सो मेरी एक बेनती है कि अज इस गल नूं समझण दी लोड़ है, अज दुनिया उस कगार ते खड़ी है जिथे बहुत बुरा हाल होया, करोना ने पहले साडा बहुत बुरा हाल किया, असी नवें सिरे तो जिंदगी शुरू कर रहे हैं सारे लोग, क्योंकि जिहड़ा डेली वेज वाला वर्कर सी बिल्कुल टुट गया, कम खत्म हो गए, सारा कुछ खत्म हो गया। सो सानूं एक दूजे की मदद की लोड़ है, जिहड़ा असी कहने हैं कि साडे गुरु साहिबाना ने, साडे भगतां ने, साडे गुरुआं पीरां ने सानूं सिक्ख्या दित्ती है, बंड के छकण दा संदेश दित्ता है, सरबत दे भले दा संदेश दित्ता है, उहदी कल्पना करन दी लोड़ है, उहनूं इंप्लीमेंट करन दी लोड़ है, उहनूं अपनी जिंदगी च वरतन दी लोड़ है। बहुत बहुत गुरु साहिबान दे फलसफे बारे, माँ बोली पंजाबी बारे, वर्तमान समाजिक कुरीतियां बारे, आने वाली नवी पीढ़ी नूं सुनेहा देण बारे मलकीत सिंह रौणी जी दे तुसी विचार सुने। उम्मीद है इस ते नवी पीढ़ी ते नौजवान पीढ़ी जरूर असर कबूलूगी, प्रभाव कबूलूगी। कोटपुरा तो गुरिंदर सिंह।